बहुत मेलोडीज, एक से एक मेलोडीज उसमें निकली हैं, बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं। तो अब जैसे कि किशोर कुमार साहब हैं, मोहम्मद रफी साहब थे, आशा जी हैं, दादा जी हैं, और भी दीगर जो सब का मतलब गुलकार मना रहे हो गए या ये सब लोग हैं, तो इन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत संगीत के लिए बिल्कुल टोटली डेडिकेट करने के बाद में जाके आवाज में वो कशिश पैदा हुई, तो फिर उसको पर्दे पे लाए गए। कोई इतने बड़े खूबसूरत हीरो और हीरोइंस जो हैं वो गा रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगनी चाहिए ना ऑन स्टेज ऑन फिल्म ऑल्सो, तो ये कोई मामूली कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है और उनकी कितनी मेहनत होगी। तो जो भी ये काम कर रहे हैं, मेरा ये कहने का मकसद कुछ सीख के कीजिए, सीखिए उसको, रियाज कीजिए, तो उसमें क्या होगा कि आप एक तरीके से मौसीकी का फहम भी आएगा, समझ भी आएगी, फिर आपको मालूम होगा कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं मगर उनको ये पता नहीं कि कौन सा राग में या मैं कौन से सुर लगा रहा हूँ। कुदरती आवाज अच्छी है तो सुन सुन के उन्होंने गाना शुरू कर दिया, लेकिन ये यही काम नहीं। अगर ऐसी कोई टैलेंट है लोगों में तो कोशिश करें उसको सीखें, कुछ संगीत के बारे में जानकारी हासिल करें, फिर वो करेंगे उनको भी मजा आएगा, फिर और संगीत की एक तरीके से सेवा भी होगी। तो आपको कभी मौका मिला या अपना क्या आपने किस ये जो है आपने किशोर दा या तो रफी साहब आशा जी के साथ आपने काम? नहीं, मैं काम तो नहीं किया लेकिन ये कि इनकी सोबत हमें मिली है। अच्छा। देखा उनको रिकॉर्डिंग करते हुए माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा उनके साथ में वक्त भी गुजारा हमने। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उन सब जैसे लोगों को देखा हमने, कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे उनकी वॉइस थ्रो थी, किस तरह से वो करते थे, तो ये सब बातें देखी हैं, उसको सीखने को बहुत कुछ मिला। तो ये बात तो है। वैसे मैंने बॉलीवुड में जो है काफ़ी बैक, हम लोग कहते हैं बैक स्टेज वर्कर्स, जो कि ज़ाहिर है सामने नहीं आते, म्यूजिक अरेंज कर देना, ये ट्यून्स बना के दे देना, बहुत कुछ किया हमने। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत सी म्यूजिक डायरेक्टर्स का साथ में काम साथ किया जी, बहुत अच्छा। अभी तो फिर तो सलील चौधरी जी के साथ बहुत काम किया मैंने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए किया, माशाल्लाह मैंने राजेश रोशन जी के लिए किया। अच्छा, अभी रिसेंटली हमें हिमेश का गाना है, हिमेश जी का वो आशिक बनाया आपने, मेरे लिए बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये बैक स्टेज हम लोग ये काम करते हैं जी। तो आपको लगता है कि जैसे कि ये आप प्रोग्राम होते हैं इंडियन आइडल जूनियर और वॉइस ऑफ इंडिया या ये सब, इनसे ये जो बच्चे आते हैं उसमें इनसे इनको काफी सीखने को मिलता है आपको? हाँ, यकीनन सीखने को मिलता है, अच्छा एक्सपोजर भी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है तो वो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी इससे काफ़ी काफ़ी फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है ना, मुझे भी यही लगता है। मैं काफ़ी हम लोग काफ़ी अरसे से ऐसे प्रोग्राम फॉलो करते हैं क्योंकि मुझे वैसे भी शौक है, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे आते हैं उनको बताया जाता है उनके सब चीज़ों के बारे में, सुर के बारे में, कि उनकी वॉइस के थ्रो कैसे क्या, और अच्छे जो जजेस होते हैं वो माशाल्लाह से अच्छे खासे जजेस होते हैं और ज़बरदस्त किस्म के, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के और देख कर। तो आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, जानने को मिला बहुत ज़्यादा, और हमारे ऑडियंस आई होप आज जो भी आप लोग सुन रहे होंगे, और उम्मीद है कि हमारा वेबसाइट काम कर रहा होगा, अगर सुरसंगम ना कर रहा हो तो शायद सलाम नमस्ते कनाडा तो ज़रूरी कर रहा होगा, तो ठीक है। तो फिर हमारे ऑडियंस ने आज बहुत अच्छी बातें सुनी और हमारे इतने अच्छे मेहमान हमारे पास आके आए, तो आप ज़रूर जाइएगा इनको सुनने के लिए। आज जैसा कि आपको बताया गया है कि 19 सितंबर को 7 बजे शाम को $25 इनका टिकट है, तो आप ज़रूर जाइए, और आप हमसे और कुछ मालूम करना चाहते हैं तो आप हमारे रेडियो स्टेशन पे फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं जी। तो हम आपको और भी ज़्यादा बता सकेंगे, तो बहुत शुक्रिया आपका जी उस्ताद जी, आप जाने का आप क्या बनाएंगे आपको फिर आपको जो है हमें चाहिए कि प्रोग्राम जो चलता रहे, आपकी जो बातें हैं जो पुराने हैं ना बड़ी अच्छी लग रही है, क्या इतना सीखने हमें मिल रहा है और बड़ी इंटरेस्टिंग है सारी बात जी। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा टाइम है, इंशाल्लाह आप फिर से तक आइए, जरूर जरूर थोड़ा लंबा टाइम रखे और हमें थोड़े जो है कॉलर्स भी लेंगे, हाँ हाँ जरूर, ताकि लोगों को स्पेशली 19 सितंबर के बाद तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग इनको जानने लगेंगे और पहचानने लगेंगे, तो इंशाल्लाह हम के यहाँ से जाने से पहले इंशाल्लाह फिर से आपको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत बड़ी।